हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। आज का वीडियो है कॉलेजिन के ऊपर। जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी 10 साल की पहले की फोटो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं साइंस ऑफ एजिंग में? हम लोग देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो गिरने लगी है। यहाँ की स्किन गिरेगी, चीक्स की स्किन गिरेगी, यहाँ पे रिंकल आ जाएंगे, आईज के आसपास रिंकल आ जाएंगे। स्किन एजिंग के कारण ही इंसान बूढ़ा दिखता है। आपके नैनक्ष, आपकी आंखें, नाक, लिप्स तो वैसे ही रहते हैं, बट स्किन ही है जो सबसे पहले बताती है कि एक इंसान की उम्र कितनी है। इस एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में स्किन के ऊपर इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन की एंटी एजिंग क्रीम, अंडर आई क्रीम्स, फेस वॉश, फेशियल्स। लोग इतनी चीजों के पीछे भागते हैं और इतना पैसा वेस्ट करते हैं, बट वो जिस चीज को मिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इज कॉलेजन। कॉलेजन इतना मैजिकल है, ये वो एक चीज है और यही वो सबसे पहली चीज है जो कि आपको किसी एंटी एजिंग क्रीम, आई क्रीम, फेशियल से पहले ऐड करनी है, क्योंकि जो इसके अफेक्ट्स हैं वो ड्रामेटिक होंगे आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे। ना ही तो अकेली आपकी स्किन बेटर होगी, स्किन की जो रिंकल्स हैं वो स्मूथ होंगे, हाइड्रेशन, प्लम ग्लो बेटर होगा, आपके बालों की क्वालिटी, नाखूनों की क्वालिटी, जॉइंट्स की क्वालिटी, सब कुछ बेटर होगा अगर आप अपना एंटी एजिंग सबसे पहले कॉलेजन से शुरू करते हो। आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी, कॉलेजन क्या है, किसको लेना चाहिए कॉलेजन, क्या हमारा शरीर खुद कॉलेजन बना सकता है, क्या हमें बाहर से कॉलेजन का सप्लीमेंट चाहिए, कॉलेजन के और शरीर में क्या क्या फायदे, मैं आपको रिसर्च दिखाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर अनगिनत स्टडीज है, और आपको अपने बुढ़ापे के कौन से साइन को रिवर्स करने के लिए किस टाइप का कॉलेजन चाहिए। ये वीडियो कॉलेजन के ऊपर एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपकी जो एजिंग के साइंस है 80% बेटर हो जाएंगे विद इन 3 to 4 months एडिंग कॉलेजन टू योर डाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और लोगों को जो कि गलत प्रोडक्ट्स के पीछे अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक, इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले कॉलेजन क्या है? कॉलेजन आपके शरीर में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। कॉलेजन को आप ग्लू की तरह दे सकते हो, गोंद की तरह। क्यों? आपकी स्किन फटने लगती है, उसके पीछे क्या है? कॉलेजन। क्योंकि ग्लू की तरह वो स्किन को पकड़ के रखता है, आपके जॉइंट्स हिलने लगते हैं, आपके लिगामेंट्स हिलने लगते हैं, आपको पैर मुड़ने पे फ्रैक्चर हो जाता है या कहीं गिर जाने पे फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? जॉइंट्स लूज हो गए हैं, उसमें क्या है? कॉलेजन कम हुआ है। अगर आपके नीज के अंदर टक टक की आवाज आती है, कॉलेजन कम हुआ है। अगर आपके बालों से शाइन चली गई है या आपके नाखून टूटने लग गए हैं, कॉलेजन कम हुआ है। कॉलेजन सिंपल एक प्रोटीन है जो कि आपका शरीर खुद बना सकता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अपने शरीर को आप वाइटमिन सी देते हो, जो वाइटमिन सी है वो आपकी बॉडी में कॉलेजन बढ़ाता है। बट अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है तो ना ही तो आपकी बॉडी कॉलेजन कम बनाती है, बट क्वालिटी, जिस क्वालिटी का कॉलेजन बनाती है, वो भी डिग्रेड होने लगती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में उन्होंने साफ दिखाया है कि कॉलेजन का स्किन थिकनेस पे डायरेक्ट अफेक्ट है। अगर आप हाथ देखोगे, हाथों की स्किन बहुत पतली होती है, आपको यहाँ पे नाड़ियाँ दिखने लगती हैं, आंखों के नीचे ब्लू वेन्स दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि स्किन पतली हो रही है, जो स्किन की थिकनेस है वो बढ़ाता है कॉलेजन। इसके अलावा स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन की हाइड्रेशन जिसके कारण स्किन ग्लो करती है, उसमें भी हेल्प करता है कॉलेजन। कॉलेजन के सोर्सेज क्या हैं, कहां कहां से आता है? कॉलेजन आपको तभी मिलेगा डाइट में अगर आप नॉन वेज प्रोडक्ट्स खाते हो। जब आपने चिकन लेग देखी है, चिकन लेग के नीचे वो स्किन लगी होती है, अगर आप वो पार्ट खाते हो तो थोड़ा बहुत कॉलेजन मिलता है। डाइट से कॉलेजन लेना बहुत ही मुश्किल है। जो कॉलेजन का पाउडर मिलता है मार्केट में, वो भी एनिमल प्रोडक्ट से ही बनता है, एनिमल की स्किन से, एनिमल के बोन से। अगर आपने कभी भी चिकन लेग्स की करी बनाई हो कुकर में, आप उसको फ्रिज में रख दो, वो जेली टाइप बन जाता है, उसमें है जिलेटिन एंड कॉलेजन। बट कितना है हमारी डाइट में कॉलेजन? बहुत कम। इससे आपकी डिमांड बॉडी की पूरी नहीं होगी, तो आपको कॉलेजन पाउडर फॉर्म में ही लेना पड़ेगा।
मेरा अब टिप क्या है कॉलेजिन खरीदने का, आप हाइड्रोलाइज्ड कॉलेजिन खरीदो। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि कॉलेजिन को, वो हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिससे कॉलेजिन की प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ताकि जब आप इसको चम्मच भर पाउडर कॉलेजिन को लो, वो इमीडिएटली आपकी स्किन को लगे, आपके नाखूनों को लगे, आपके बालों को लगे। कॉलेजिन का टेस्टलेस पाउडर मार्केट में मिलता है जो कि आप अपनी जूस, चाय, कॉफी के अंदर डाल सकते हो। इससे क्या है, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, आपके जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी ये वाला कॉलेजिन लेती हूँ अपनी मॉर्निंग कॉफी के अंदर। क्यों लेती हूँ? पहली बात, मेरी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है। दूसरी चीज, जिस तरीके की मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, जंपिंग वाली, इम्पैक्ट्स वाली, मेरा जॉइंट प्रोटेक्टेड रहता है। कभी ट्विस्ट करती हूँ लेफ्ट, कभी राइट ट्विस्ट करती हूँ। अब लेट्स से आपको कोई नी इंजरी हो गई है, या आपको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, या मेनोपॉज हो चुका है, तब जो कॉलेजिन आपने लेना है अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप लोगे एनिमल कॉलेजिन प्लस साथ में ग्लूकोसामाइन, MSM, ये सब वो केमिकल नेम्स हैं जो कि आपकी नीज को दोबारा बनाते हैं। मैंने अभी अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है जॉइंट बिल्ट, मतलब बिल्ट योर जॉइंट्स बैक। जितने भी लोगों को बैक की सर्जरी, नी की सर्जरी, या जिनके जॉइंट्स डिग्रेड हो गए हैं और वापस बनाना चाहते हैं, उनको इस पाउडर की जरूरत पड़ेगी। इस पाउडर के अंदर मैंने फिश कॉलेजिन डाला है। फिश कॉलेजिन, जिसको हम मारीन कॉलेजिन बोलते हैं, ये फिश से आता है। ये मेनली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जो मेन कॉलेजिन आपको मार्केट में मिलता है वो है बोवाइन कॉलेजिन, वो एनिमल्स टिश्यू से आता है। मुझे पता आप ये सोच रहे होंगे, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप इसको दवाई की तरह ही लोगे। जब आप डॉक्टर आपको दवाई देता है, कभी आप पूछते हो ये वेजिटेरियन दवाई है या नॉन वेजिटेरियन दवाई है, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ मस्ट। आपको कॉलेजिन लेना ही है, या फिर आप हमारा जॉइंट बिल्ड का, अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वो पाउडर ले सकते हो। अब हम एक प्लांट बेस्ड कॉलेजिन भी बेचते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जब लोगों ने उसको 3 महीने तक लिया, उनकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई, उनके स्किन पे अगर पिगमेंटेशन थी कम हो गई, ब्लेमिशेस कम हो गए, उनके नाखून कम टूटने लग गए, स्किन बेटर हो गई। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी का ओन कॉलेजिन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बट उनके अंदर कॉलेजिन नहीं होता है। वो लोग लेंगे जिनको सिर्फ ब्यूटी रिलेटेड कॉलेजिन चाहिए। मैं खुद ये ब्यूटी कॉलेजिन लेती हूँ और कभी कभी एनिमल कॉलेजिन भी ले लेती हूँ। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी उम्र 30-35 के आसपास है और सिंपल आप स्किन, ब्यूटी फीचर्स, नाखून, बालों के लिए लेना चाहते हो, आप अपने शरीर की ओन कॉलेजिन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो यूजिंग प्लांट बेस्ड कॉलेजिन। अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें आपके नीज अफेक्ट हो गए हैं, आपको नी सर्जरी बोली है, चलते वक्त नी में टकटक की आवाज हो रही है, मेनोपॉज हो चुका है, किसी ना किसी जॉइंट में पेन रहता है और आप उस जॉइंट को वापस बिल्ड करना चाहते हो, तो आप हमारा जॉइंट बिल्ड ले सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो जिसमें लेफ्ट राइट टर्निंग है, तो आप सिंपल कॉलेजिन का पाउडर भी ले सकते हो। मेरे पास मेरा खुद का जॉइंट बिल्ड नहीं है, नहीं तो मैं वो लेना शुरू कर दूं। तो गाइज, ये थे टाइप ऑफ कॉलेजिन। आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन लो। आप कितनी भी कॉस्मेटिक एंटी एजिंग क्रीम्स पे पैसा खर्च सकते हो, उससे क्या है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ 20-30% होगी। बट कॉलेजिन इज अ मेजर एड ऑन व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग फॉर योर हेयर, नेल्स, ग्लोइंग स्किन, फॉर योर जॉइंट्स, बिकॉज ये एक ऐसी ग्लू है जो कि आपकी स्किन को, आपके शरीर को पकड़ के रखती है। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। प्लीज इस वीडियो को और लोगों से शेयर करो ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो किस टाइप का कॉलेजिन लेना है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।